जीटीए मिथ्स या मेरे को जीटीए मिथ्स बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ तो बहुत मजा आता है। तो मिथ नंबर वन, अगर हम किसी भी एनिमे के मारेंगे, है ना, मतलब किसी से भी लड़ाई करेंगे, तो अगर वो हमारे मारेगा, मतलब गुद्दी चटकाएगा, तो हमारे चश्मे गिर जाएंगे। ओके हाँ भाई, ओके इन्हें तो बंदूक निकाल ली, ले रैप्टा। हाथों से लड़ने का दम नहीं रखते क्या तुम? वेल, इतनी लड़ाई हुई लेकिन चश्मा नहीं गिरा, तो या मिथ बस्टेड। वेल, हमारी अगली मिथ है कि हम पानी पर चल सकते हैं। अब तुम कहोगे कैसे? वेल, एक स्पेसिफिक कंडीशन है। ये जो पानी तुम्हें दिख रहा है ना, माउंट चिलियार्ड के पास खेत, यहाँ के अंदर है, मतलब यहाँ पे है जानवरों का पानी, तो यहाँ पर हम इस पे चल सकते हैं। रुक जा, पहले खड़ा तो होने दे, खड़ा हो, सही से छलांग मारनी पड़ेगी। या देखो, मैं पानी के ऊपर खड़ा हूँ, लोल। ओके, मिथ कंफर्म्ड। वेल, हमारी अगली मिथ है कि हम अगर ये खेत के अंदर ही टायर के निशान बना सकते हैं, अगर हम इस पे कार चलाएं, तो लाइक ये रियलिटी वाला किस्सा हो जाएगा। तो यार ट्राई करके देखते हैं, वैसे मजा आने वाला है अगर ये काम हो गया तो। ओके ओके, या और गाड़ी रिपट भी रही है। या हाँ, निशान तो बन रहे हैं, लेकिन अगर मैं बर्न आउट कर रहा हूँ तो या यहाँ पर गड्ढा नहीं हो रहा, बट या मिथ कंफर्म। सो अगले मिथ है कि अगर हम पानी के अंदर ग्रेनेड फेंक के मारे और हम फिर ग्रेनेड फेंकने के बाद नीचे कूद जाएं, तो हम नहीं मरेंगे। क्या ऐसा सच में हो सकता है? वेल, देखते हैं। ये मैंने फेंका ग्रेनेड और ये मैं कूदा नीचे। ओह नो, मैं थोड़ा गलत कूद गया, फिर से ट्राई करना होगा। वेल या अब सही है, अब मैं इसे नीचे फेंक दूंगा और मैं सीधा डायरेक्ट नीचे। अबे क्या पकड़ रखा था मैंने। ओके, ये मैं गया और ये मैं गया नीचे। या एक और ट्राई देते हैं। या कुछ भी नहीं हो रहा, मैं मर क्यों नहीं रहा? ओके, अब तो मैं सही जगह गिरा हूं। या मिथ कंफर्म, हम नहीं मर सकते। वेल, हमारी अगली मिथ है कि अगर हम किसी भी एनपीसी के ऊपर कूदते हैं तो हम बैक फ्लिप मार जाएंगे, यानी कि वो तो गिर जाएगा सामने वाला बंदा, लेकिन हम खड़े हो जाएंगे। तो यार ट्राई करके देखते हैं, ये भग रहा है बंदा। हाँ? हाँ? ये सारे ही हट रहे हैं मेरे सामने से, ऐसा क्यों हो रहा है? हटो मत। या इसके पीछे करता हूँ। या नहीं, ये तो खड़ा रह गया। ओ, हो रही है, थोड़ी सी हो रही है यार, मेरी रिंग लाइट फक अप कर गई। ओ, हुआ था अभी लेकिन पूरा नहीं हो पाया। हट ना, अरे भिड़ मत मुझसे। ओह, इससे टकराने पे तो हिला भी नहीं मैं और इसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। वाह भाई, ना हम खड़े नहीं हो पाते लेकिन हाँ बैक फ्लिप हो ही जाती है। मिथ बस्टेड। वेल, हमारी अगले मिथ है कि हम तोप का यूज नहीं कर सकते, मतलब तोप आरम पार नहीं हो सकती ऐसे खुले दरवाजों से। ओके, ओ ना, नहीं निकला, थोड़ा पास जाके देखूं। ना कुछ भी नहीं हुआ। और ये ग्रेनेड लॉन्चर, ना ग्रेनेड लॉन्चर से भी नहीं, बल्कि ग्रेनेड लॉन्चर से तो हो जाने चाहिए यार, ये तो बहुत ही छोटे होते हैं। सो रेल गन कर सकती है। रेल गन कर सकती है या। सो या मिथ बस्टेड, क्योंकि आरपीजी नहीं कर सकती। वेल, अगले मिथ है कि हम GTA 5 में इस क्लॉक टावर को नहीं फोड़ सकते। पहले ट्राई करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये पटाखों वाली गन, अच्छे खासे पटाखे निकलते हैं इसमें से, लेकिन अब हम सीरियस हो जाते हैं, रेल गन से ट्राई करते हैं। कुछ नहीं हो रहा, रेल गन से कुछ नहीं हुआ, इससे देखें। ना इससे कुछ हो रहा, स्टिकी वेम लगा के देखेंगे अब हम। अब थोड़ा इस वाले पे भी लगा दूं। ओके लेट्स गो, अब फोड़ के देखते हैं। कुछ नहीं हुआ, सोया मिथ कंफर्म। वेल, हमारी अगली मिथ है कि ये जो माउंटेन लाइंस तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये दूर से दिख रहा है तुम्हें, है ना, ये BMX से डरते हैं, इस साइकिल से डरते हैं ये। ये मिथ लाइक कुछ ज्यादा ही गड़बड़ होने वाली है, मतलब BMX से डरते हैं, लाइक व्हाट द हेल, इतने बुरे दिन आ गए। अबे वो तो उसके पीछे भाग गया उसका शिकार करने के लिए। रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। या वो मुझसे डर के भाग रहा है, क्या हो रहा है भाई? ये डर के भाग रहा है मुझसे, माउंटेन लाइंस तो हमारा चीथड़ा उड़ा देते हैं। One eternity later. Well, देखते हैं, ये वापिस आ गया है। अब इसके पास सीधा मैं BMX लेके ही पहुंच जाता हूँ। ये डरता है, ओ हाँ ये डरता है, ये तो भाग लिया हमसे दूर। चल
ओह शिट, मैं तो फैल गया, लेकिन हाँ मिथ कंफर्म। वेल, हमारी अगली मिथ है कि अगर हम अपने एनिमी की बंदूक पे भी गोली मारेंगे ना तो भी उसे डैमेज होगा। ओके, सो ये है, इसने एम कर रखा है तो या मैं ओह पड़ी से, हाँ इसे पड़ी, अब आगे की तरफ मार के देखता हूँ। पड़ी डैमेज हुआ वैसे इसे, पता नहीं। अब इस आदमी को देखते हैं, इसने एम नहीं कर रखा और अब इसकी एकदम सामने मारते हैं। आई गेस ये इसे डैमेज नहीं पहुंचा रहा, बस इसकी गोली को ना वो कर रहा है थोड़ा, मेरे को लग नहीं रहा ये डैमेज पहुंचा रहा है इसको या हर्ट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ ना इसकी ना गन को थोड़ा आगे कर देता है जिसकी वजह से ये डिसबैलेंस हो जाता है। तो या मिथ बस्टेड। वेल, अगले मिथ है कि हम एक ग्रेनेड को बंदूक से आगे पीछे कर सकते हैं शूट करके। ये मैंने करा और मिथ बस्टेड। वेल, अगले मिथ है कि हम इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस गैस कैन के आग से नहीं फोड़ सकते। अगर मैं इसके चारों तरफ ये गैस कैन लगा दूं, मतलब पेट्रोल बिछा दूं और फायर करूं गैस कैन पे, तो यार वो नहीं फटेगी। मतलब कार में आग तो लगेगी लेकिन वो बम ब्लास्ट नहीं होगी। और अगर तुम सोच रहे हो ये कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सो ये देखो इसका इंजन बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा और ये देखो कैसे तेज भाग रही है। सो या यही इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहचान है। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल भक्ति बहुत तेज है इसमें यार। आगे इतना सही रहेगा, अब मैं करता हूं धम। अब थोड़ा वेट करते हैं, आग तो लग गई चारों तरफ, अब ये ब्लास्ट होगी। वेल, मेरे को लग रहा है ये ब्लास्ट हो सकती है, मे बी। ओ नहीं हुई, बस इसके पहिए पंचर हो गए। वेलिया ब्लास्ट तो नहीं करा लेकिन अब ये चलाने लायक नहीं बची क्योंकि मैं एफ दबा रहा हूँ, ये बैठ ही नहीं रहा। बट या फूटने की बात हुई थी, सो या मिथ कंफर्म, ये फूटी नहीं है। वेल, अगले मिथ है कि हम अगर आसमान में आरपीजी छोड़े और उस पर बंदूक चलाए तो वो हवा में ही फूट जाएगा। ओके, नथिंग हैपेंड, बस्टेड। वेल, हमारी अगली मिथ है कि एक स्पेसिफिक हाइट से अगर हम कूदेंगे तो हमारा करेक्टर डाइव वाली पोजीशन में जाएगा, डाइव वाली या ऐसे। ये तो नागिन पोज लग रहा है, समझ गए ना तुम डाइव कैसे होती है, ऐसे। सो या अभी पूल पे ट्राई करते हैं ना, डाइव की पोजीशन में तो आई नहीं रहा। ओ शिट, मैंने डब्ल्यू ज्यादा दबा दिया, यहाँ पर नहीं हो रहा, बड़े पूल में जाके करनी पड़ेगी अब ट्राई। वेल, यहाँ से ट्राई करता हूँ मैं, या यहाँ से तो कर रहा है ये, यहाँ से डाइव कर रहा है, इस हाइट से कर रहा है। ओके, सो इस हाइट से देखते हैं। ओह नो, ना 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 ना, ये अब डाइव की पोजीशन कर ही नहीं रहा, तो या मिथ बस्टेड। सो हमारी अगली, अबे वो गंजे मेरे को बोलने देगा। सो हमारी अगली मिथ है कि हम आरपीजी की मदद से जितने भी चाहे उतने ग्लास फोड़ सकते हैं। सो या ये बहुत सारे ग्लास लगा रखे हैं, कम से कम 20-25 होंगे। सो या ट्राई करके देखते हैं, या वो फूट गए, मिथ कंफर्म। अगर हम किसी कार को ड्राइव करेंगे तो उसका जो फ्यूल का डंडा होता है ना वो एक बार भी नीचे नहीं होगा, मतलब अनलिमिटेड फ्यूल होता है कार में GTA 5 के अंदर। सो चलो ड्राइव करता हूँ मैं बहुत देर तक, तो देखते हैं ये नीचे होता है या नहीं। वेल, बहुत देर से ड्राइव कर रहा हूँ मैं ना, कुछ नहीं हो रहा। सो या मिथ कंफर्म। सो हमारी अगली मिथ है कि हम इस बॉल की मदद से इन्हें फोड़ सकते हैं। ये क्या कहते हैं इन्हें, गैस स्टेशन, गैस पेट्रोल पंप, हमारी भाषा में पेट्रोल पंप। एक, ओह नो, बॉल गायब हो गई, एक हो रहा है हमारे पास, मार, यस, धुम, कुछ नहीं हो रहा इसको, कुछ भी नहीं हो रहा, मिथ बस्टेड। वेल, हमारी अगली मिथ जो है वो बड़ी अजीब है कि अगर मैं इसके ऊपर स्नोबॉल मारूं, ये जो नाई की दुकान है यहाँ पे, तो हमारे ऊपर केस चढ़ जाएंगे, पुलिस पीछे पड़ जाएगी। ट्राई करके देखते हैं। नहीं। ओ, या लिटरली केस चढ़ गया, लेकिन सिर्फ एक स्नोबॉल फेंकने से। व्हाट, मिथ कंफर्म। वेल, GTA 5 के अंदर कार्स भी वैसे ही स्क्रैच खाती है जैसे रियल लाइफ में हमारी कार्स खाती है, तो यार देखते हैं ट्राई करके, लाइक या ये देखो डेंट कहते हैं इन्हें, स्क्रैचेस, हाँ स्क्रैचेस पड़े। सो या मिथ कंफर्म। सो या आई गेस गाइस आज के लिए इतनी मिथ्स बहुत हैं क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगा के इन मिथ्स को बनाया है। तो या तुम्हें बस क्या करना है, एक सब्सक्राइब
सब्सक्राइब, एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड ऐसी तबाहीदार वीडियोस के लिए बस नोटिफिकेशन बेल दबा लेना है। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय।